अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको चार अमाल बताऊंगी। मैं चार अमाल के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। पहले अमाल बताएं, अगर मुझसे आपको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, करके सब्सक्राइब चलें। आज का अमल बताती हूँ। आज का पहला अमल है तमाम मकासद पूरे हों। चिश्त के नवाफिल के आखिरी सजदे में 14 मरतबा या वहाबू का मायनी है बिला खोस देने वाला। अल या वहाबू 14 मरतबा या वहाबू पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। इसके साथ ही हर मकसद व हाजत को पूरी कामयाबी हो। या अजीज़ु या हमीदु या जुल अर्शी मुजीदी इसरिफ इन्नी हिरका कुल्ली जबारी अनीदी। ये दुआ है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। या अजीज़ु या हमीदु या जुल अर्शिल मुजीदी इसरिफ इन्नी शिरका कुल्ली जबारी अनीदी। फ़ायदा इस दुआ के पढ़ने का, किसी किस्म की कोई हाजत ज़रूरत व मुश्किल दरपेश हो तो ये दुआ करें। किसी किस्म की कोई हाजत ज़रूरत व मुश्किल दरपेश हो तो ये दुआ करें, इंशाअल्लाह मकसद व ज़रूरत अल्लाह बारिक व ताला हल फरमाएंगे। इसके साथ ही अल्लाह मकसद पूरा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। फ़ायदा, इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी इकराम फरमाया और इसको करीब बिठाया। जो भी इसको जिस मकसद के लिए पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके मकसद को पूरा फरमाएगा। आज का अगला अमल रिस्क में फरागी हासिल होगी। फजर से पहले घर के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या राजी को पढ़े वसत रिस्क हासिल होगी। 10-10 मरतबा चारों कोनों में या राजी को पढ़ने से वसत रिस्क हासिल होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फिकरा फातिह का इलाज सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरु। फ़ायदा, एक शख्स ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिक्र व फाका की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ कर दुनिया दलील होकर तुम्हारे सामने आएगी। अगला अमल तमाम अमवार में आसानी हो। फजर की नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर 70 बार या फातिहा पढ़े तो तमाम अमवार में आसानी होगी, दुश्वारी में आसानी पैदा हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा हुआ आहलहु व मुस्ताहिकु। जिस शख्स को कोई दुश्वारी लाक हो वह तन्हाई में यह दुरूद 1000 मरतबा पढ़े और 1000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर दिल से दुआ करे तो इंशाअल्लाह दुश्वारी दूर होगी और आसानी पैदा होगी। आज का अगला अमल अगर
अमल हाफज कवि होगा, हाफजा कवि होगा। कसरत व मुदामत से या अलीम का विर्द करने से हकाइक व मौरिफ मुनाक्षिफ होते हैं और हाफजा कवि होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कोई अमल से आपका कोई फ़ायदा होता होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।